अरे 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 आयाम शिवानी के चूजे अभी ये भी काले। अबे कितना काला है, अब कुछ काला है इसका तो। भाई ये देखो गोश्त ना, अंदर पूरा काला काला गोश्त है। ओए होए भाई, यार वो मेरी दुल्हन का है। बाबा ने बोला था कि जब मैं कढ़ाई खा लूंगा तो दुल्हन मिल जाएगी। देखो दुल्हन आती है इस पर्दे के पीछे, पर्दा हटाओगे और तुम्हारी दुल्हन खड़ी होगी। पर्दा हटाओ, लिखे जो खत। अबे यार कब से कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा यार, लगता है धंधा ठप हो गया हमारा। भाई कोई मुर्गा आ जाए मेरे पास, कोई मुर्गा आ जाए ताकि मैं उसको आ गया। हाँ मेरे बच्चे बोलो, तेरा क्या मसला है? बाबा जी यार एक ही काम है यार, बाबा जी बुड्ढा हो गया, 32 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही? हाँ। वैसे इस कुत्ते जैसे मुंह पे शादी होनी भी नहीं चाहिए। बाबा जी आपकी शादी हुई भी है? नहीं बेटा मेरी भी शादी नहीं हुई। अपना मुंह तो देख लो पहले, गधे ऐसा मुंह और उसको बोल लो मुझे कुत्ते ऐसा मुंह। बेटा तुमने मेरे जख्मों को ताजा कर दिया। हम दोनों भाई हैं, दोनों की शादी नहीं हुई। लेकिन बेटा मैंने सोचा मेरी शादी तो नहीं हुई, लेकिन मैं दुनिया में हर मर्द की शादी कराऊंगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? करवा दो मेरी, मैं पैसा जितना चाहिए मैं दूंगा। पैसा ही पैसा होगा, पैसा बहुत है, ऐसे ही तो मुर्गे चाहिए। कैसे मुर्गे, कैसे मुर्गे? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। देख बेटा इसके इलाज के लिए तुझे एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शादी के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करने पड़ते हैं, क्योंकि शादी के बाद भी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अब मैं सारे मुश्किल काम करने को तैयार हूँ। देख बाबा जी के सामने एक काला मुर्गा लेकर आ। काला मुर्गा? और काला मुर्गा ऐसा हो कि उसकी चोंच भी काली, उसके हाथ भी काले, उसके पर भी काले, उसकी जबान भी काली, सब कुछ काला, गोश्त भी काला। कहाँ से लाऊंगा मैं ऐसा मुर्गा? देख बेटा ढूंढना पड़ेगा, शादी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना तुझे। कुछ और बोल देते मैं निकल लेता, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है बाबा जी। बेटा बाबा जी के पास कोई मुश्किल नहीं है, हर तरफ से आसानी है। अगर तू ये मुर्गा जिबा नहीं कर सकता तो बाबा जी तुझे अरेंज करके देगा, लेकिन वो मुर्गा है बहुत महंगा। कितना महंगा है? 1,00,000 रुपए का मुर्गा है। दे दूंगा। खर्च करेगा तू? दे दूंगा, दे दूंगा। और बाबा जी की फीस भी है 10,000 रुपए एक्स्ट्रा। अरे वो भी दे दूंगा यार। बस चलो नीचे ही मुर्गे ही मुर्गे हैं। मेरी भी एक शर्त। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैं तुम्हें 20,000 और दूंगा। हाँ। लेकिन ना लेना खुदा के वास्ते। ये बड़ा मुश्किल काम बोला है बेटा तूने, ये मुश्किल काम है। आजा नीचे आजा, चल मेरा बच्चा तुझे मैं मुर्गा दिलाता हूँ। देखो बाबा को काली चीजें पसंद है, बाबा खुद भी काला ड्रेस पहनता है, हर चीज काली है बाबा की। मुझे लग रहा है किसी काले आदमी ने आपके साथ जाती की थी। ये बातें बताई नहीं जाती। बाबा एक बात बताओ। हाँ। आप क्या तलाके भी कराते हो या सिर्फ शादियां करवाते हो? नहीं, नहीं नहीं, बाबा का काम है सिर्फ शादियां कराना। अभी मैंने परसों ही तो कुत्ते और कुतिया की शादी कराई थी। अच्छा? अभी एक और कुत्ता आ गया। गजब बेइज्जती है। चलो भाई तुम्हारे लिए काला सा मुर्गा निकालते हैं, लेकिन हमारा ये क्लाइंट है कालीचरण। हाँ बेटा इसके लिए कोई काला सा मुर्गा निकाल दो, इसकी शादी नहीं हो रही। तेरे लिए मैंने एक मुर्गा जिबा किया था ना, तेरी शादी हो गई थी, वैसा ही कोई मुर्गा निकाल। सही है, वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पर एक बहुत काला मुर्गा है, यहाँ पर भी काले काले मुर्गे हैं। ये देखो भाई, ओए 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 भाई। हाँ बेटा देख रहा है? नहीं, इसका सब कुछ काला है। अब ये बता मुर्गी जिबा करनी है या मुर्गा जिबा करना है? मेरे ख्याल से मुर्गा कर लो। देख बात सुन, मुर्गा जिबा करेगा तो खतरनाक बीवी मिलेगी, अगर मुर्गी करेगा तो खूबसूरत बीवी मिलेगी। अब बता क्या चाहिए तुझे? मुर्गी कर लो। बड़ा हरामी हो। लेकिन बाबा जी का टाइम लगता रहेगा तो एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ते रहेंगे। सही है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। पैसों का मसला नहीं है, पैसा बहुत है। हाँ यही तो क्लाइंट चाहिए, पैसों का मसला नहीं होना चाहिए। ये देखो भाई ये काला मुर्गा, ये खुल क्यों नहीं रहा, अंदर खुलेगा। अच्छा ये देखो अंदर जो है ना काले काले मुर्गे हैं, और ये बहुत बहुत महंगे मुर्गे हैं, 1,00,000 रुपए का एक मुर्गा है। कितने का? 1,00,000 का। अंदर आ जा। ये देख ये 2 मुर्गियां हैं और 1 मुर्गा है। बाबा जी के पास सारी सर्विस अवेलेबल है। तूने सुना होगा काली जबान, इस मुर्गे की जबान भी काली है। ये देख आंखें भी काली हैं, इसकी पॉटी भी काली है, सब कुछ काला है। अब बता कौन सा मुर्गा जिबा करना है, जल्दी बता फटाफट, बाबा के पास टाइम नहीं है। मेरे हाथ में जो है ना वो कर दो, बताऊं क्यों? हाँ ये मोटा है थोड़ा। देखो मेरे इल्म के मुताबिक ये है कि अगर तू ये जिबा करेगा तो तुझे बंगालन मिलेगी। अच्छा। अगर तू ये जिबा करेगा तो अफ्रीकन काली लड़की मिलेगी। ठीक है समझ गया, बंगालन चलेगी, बंगालन चलेगी। चलो भाई इसको जिबा कराते हैं। हाँ मेरा कमारा बच्चा, इसको जिबा करा के ला जल्दी से। मैं कहाँ से जिबा कर रहा हूँ, आप ही करा दो। भाई मुर्गी वाले के पास जाओ और जिबा करा, खत्म बात। सारे काम आप कर रहे हो, आप घर के बाथरूम भी धो लेते। वैसे एक बात बताऊँ, अगर मुर्गी वाले के पास ये मुर्गा लेके जाएगा ना, मुर्गी वाला भी डर जाएगा, बोलेगा इतना काला मुर्गा। आप ही करवा दो, कुछ ना कुछ मैं पैसे दे दूँ। मैं जिबा करूँ लेकिन बाबा जी के एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। हाँ मैं दे दूंगा 20,000 रुपए, कोई इशू नहीं। पैसा है तेरे पास? पैसा मेरे पास बहुत है, मैं रात में क्लबों में नाच के कमाता हूँ।
बाबा जी के पास बड़ी बड़ी छुरियां भी है भाई। देख मेरा बच्चा, बाबा जी के पास छुरी की भी बहुत सारी वैरायटी है। देख बड़ी छुरी भी है, छोटी छुरी भी है, कैंची भी है। अगर कैंची से ज़िबा करना है कैंची भी है बाबा जी के पास। मुझे ख्याल से आजकल लोगों को छोटी चीजों में मजा नहीं आता, हाँ बड़ी चीजों में ज्यादा मजा आता है। देख बात सुन, अगर तू बड़ी छुरी से ज़िबा करेगा तो बड़ी औरत मिलेगी, अगर छोटी छुरी से ज़िबा करेगा तो छोटी बच्ची से शादी होगी तेरी। चल चल चलो, अब बता क्या चाहता है तू? मैं तू बाबा है क्या है? छोटी से कर दे, छोटी से। चलो छोटी छुरी से ज़िबा करते हैं। आ जाओ आ जाओ आज भाई, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, ये मेरी बड़ी खिदमत करता है। इसका चैनल भी यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब कर दो। ZF क्या नाम है बता जल्दी? फैंसी फार्म यूट्यूब। चल 10,000 रुपए दे दियो एक्स्ट्रा, सही है इंशाल्लाह। अभी आंखें बंद कर और अपनी होने वाली बीवी का तसव्वुर कर, जो तसव्वुर करेगा वैसी ही मिलेगी। क्या आ रहा है? अश्वेरा राय। अबे लानत है, हिंदू है वो, मुसलमान सोच। मुसलमान मुसलमान है तू नहीं है? मुसलमान कोई लड़की? मुसलमान सोच। मतीरा? अस्तगफरुल्लाह, नहीं वो भी नहीं चलेगी। अस्तगफरुल्लाह, बस चुप कर जा। आ जाओ बिस्मिल्लाह करते हैं, पकड़ हाथ, पकड़वा जरा। हाँ भाई, तेरी किस्मत खोल दूं? हाँ खोल ले बाबा। चलो भाई बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। हाँ मेरा बेटा, तेरी किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। ये देख काला अयान सिमानी असली वाला। अबे ये क्या चीज है बेटा? देखो इसका सब कुछ काला है, इसका अंदर से दिल भी काला निकला है, फेफड़ी भी काले निकले हैं, कलेजी भी काली निकली है, तो सब कुछ ही काला है। इसका खून भी काला निकला है। चल बेटा इसकी कढ़ाई बनवा के लिए आप जल्दी से फटाफट जा जा। शादी होगी? जा जा, एक मिनट इधर आ, इधर आ। कहाँ से बनवाएगा कढ़ाई? काम आप ही कर लो। हाँ ना, बाबा जी तो हर काम कर लेते हैं ना, बाबा जी शेफ भी है। देख बाबा जी को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे 20,000 रुपए। मैं 30,000 रुपए दूंगा बाबा। हाँ मेरे को पोटी नहीं आ रही, वो भी करवा दो। वो भी काली आएगी। हाँ चल 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 चल। हाँ भाई एंगेटी का एंगेटी। अबे ये तो किसी कबर लग रही है यार। भाई इसके अंदर बाबा जी डालेंगे कोयले और कोयले डाल के कढ़ाई बनाएंगे। ओए होए भाई, बाबा तू पैसे लिए आ रहा, काम तेरा ठीक हो नहीं रहा यहाँ पे। क्यों क्या हुआ भाई? अंगीठी है नहीं तेरे को, किस चीज के 20,000 रुपए? अंगीठी बनाई तो है, मेरा हाथ भी काला हो चुका है ना। ओए बाबा जी से तमीज से बात करो। सही है, तेरे ऊपर ऐसी बंदिश करूंगा तेरी जिंदगी में कभी शादी नहीं होगी। बाबा तेरी खुद की तो हो नहीं पा रही, तू मेरी कर दे। ये देख बच्चा, तेरी जिंदगी में आग लग चुकी है। ये आग जो है तेरी शादी को करीब ला रही है। और भाई तूने काली क्यों नहीं पहनी? काली पहननी चाहिए थी ना तुझे, ये नीली क्यों पहनी है तूने? हाँ बेटा काला क्यों नहीं पहना तूने भाई? चल काली टोपी पहनी है, सही है सही है सही है। बाबा तो नजर ही नहीं आ रहे, यहाँ तो रात भी काली हो गई है। बाबा मनुष्य गया कहाँ? और बाबा के राइट हैंड इधर आ। बाबा किधर है भाई? बाबा का काम जो है ना काटने के हद तक का, अब उनका शेफ का काम है, शकूर शेफ का काम है सारा। कैसे भाई? ठीक हो? चल बेटा पीछे। हाँ भाई तुम कौन? अबे तुम तो बाबा की शक्ल से मिल रहे हो, दांतों को छोड़ के। हाँ मैं हूँ बाबा का शेफ, शकूर शेफ। मैं जो काली मुर्गी है ना उसकी कढ़ाई बनाऊंगा, सही है? अच्छा, काली कढ़ाई, काली कढ़ाई। और ये काली कढ़ाई जब तुम खाओगे ना, तुम्हारी जिंदगी से जितनी कालक है सारी की सारी खत्म हो जाएगी। बस ठीक है, चलो। हाँ भाई चिलकोट मुर्गी का है, मुर्गी। यही तो मुर्गी होती है जो बाबा दीपा करवाता है, लोगों को चूना लगाता है। चूना नहीं लगाता। चलो भाई इसकी क्या कढ़ाई बनानी है? और क्या? हाँ भाई कढ़ाई बना देंगे। देखो शकूर शेफ को ना बहुत सारी चीजें बनाना आती है, पागल भी बनाते हैं बहुत अच्छा। तो भाई शकूर शेफ जो ना आ चुका है मंजर आम पे, और शकूर शेफ अभी बनाएगा कढ़ाई, और साथ जो ना हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है ये तिक्के सिक्के बना रहे हैं। हाँ भाई सही बन रहा है तिक्का। हाँ भाई तिक्के सिक्के बन रहे हैं, लेकिन ये काली मुर्गी नहीं है, ये फार्मी मुर्गी है। यार एक बात बताओ, ये अंडे वंडे किसके रखे हैं भाई? ये अंडे पत्थर है, तोड़ के देखूं? असली वाला अंडा है? अबे यार ये किस चीज के अंडे? ये बटेर के अंडे। तुम शेफ, तुम्हें नहीं पता अंडा? नहीं यार, यार असल में मैं ना सिर्फ पागल बनाता हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अयान सुमानी का अंडा है? अयान सुमानी का? अबे तो काला मुर्गा है तो सफेद अंडा क्यों दे रहा है? ये काला अंडा है तो सफेद अंडा, वो काला मुर्गा है तो सफेद अंडा क्यों दे रहा है? बस इसकी मर्जी है, सफेद दे रहा है। मैंने सुना था ये काला अंडा देता है। नहीं नहीं वो गलत सुना, गलत सुना है। बत्तख है वो काला अंडा देती है जिसको लोग इसके साथ रखे रहते हैं। अच्छा ये अच्छा, ये काला मुर्गा है लेकिन देता सफेद है। सही है सही है सही है। हाँ भाई काले मुर्गे ये रख दो, ये सारे बटेर के, इधर भी बटेर के, ये देखो नीचे देखो, ये लाइन से बटेर के अंडे रखे हुए। दिल चाह रहा है सारे के सारे खा लूं, आमलेट बना लूं, क्योंकि मैं शेफ हूँ ना यार। अबे ये क्या हुआ, लाइट चली गई क्या? ये कैसी कैसी आवाज आ रही है? ये तो दुनिया ही काली हो गई काली मुर्गी बनाते वक्त। वो इस काली मुर्गी में कोई काला जादू तो नहीं था? मुझे लगता है काली मुर्गी बनाते वक्त सब कुछ काला हो जाता है। यार भाईजान यार इसके अंदर क्या है? देखे बाबा जी ने क्या क्या छुपा के रखा हुआ अंदर। अरे 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 अयान सुमानी के चूजे, अबे ये भी काले? अबे बाबा जी का सब कुछ काला है क्या? मैं हाथ में लेके दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई बिल्कुल काला चूजा। आ हा हा भाई, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके जो बच्चे है ना इसमें भी इतनी जान है, इसको मैं उठा रहा हूँ ना, एक एक बच्चे को उठा रहा हूँ, पता चल रहा है अलग से कुछ उठाया है। चलो भाई अंदर जाओ, घर में जाओ। बाबा जी ने पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर। चलो भाई हमारी काली मुर्गी धिल चुकी है, इसको अब हम डालना कढ़ाई के अंदर। ये हमने डाल दी एक बड़ी, दूसरी। ओए 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 ओए
तो हम डाल रहे हैं आग के अंदर। तो भाई शेफ शकुर ने कढ़ाई शढ़ाई बना दी। हाँ भाई कमारे बंदे कढ़ाई खाने के लिए तैयार हो? तो भाई कढ़ाई की शक्ल दिखाता हूँ तुम्हें। आ हा 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 हा, काला काला गोश्त, ये काली काली जुल्फे, काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा, ये काला काला सब कुछ काला, सब कुछ काला तेरे दांतों के लिए। तो भाई सारे लोग तैयार है कढ़ाई खाने के लिए? चलो भाई कढ़ाई तैयार हो चुकी है, शेफ शकुर की कढ़ाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई कमारे लड़के, अब तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। कढ़ाई तैयार है। हाँ भाई इसको खिला दें। खिला दो खिला दो। देखो तुमने कढ़ाई खाई थी, तुम्हारी कितनी शादी हुई उसके बाद? चार शादियाँ। हाय हाय तुम्हारी कितनी हुई? चार हो चुकी है। चार, इस बच्चे की भी शादी हो चुकी है, चार शादियाँ इसने भी कर ली, इसको भी कढ़ाई खिलाई थी हमने, पता है? मुफ्ती तारिक मसूद को फॉलो कर रहा है। अब तुम ये खाओगे ना तुम्हारी भी शादी हो जाएंगी। हा 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 हा, चल इसको खा और अपनी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला तोड़। अपनी होने वाली बीवी का तस्वीर करके खा। काला गोश्त तोड़, काला काला वाला तोड़, काला वाला। अबे तुझसे गोश्त नहीं तोड़ा जा रहा है यार, तू क्या करेगा शादी के बाद यार? अबे यार छोड़ यार, बहुत खतरनाक गोश्त। हाँ भाई काला गोश्त तोड़। कैसा लग रहा है? मजेदार। अरे भाई माशाल्लाह से ये चेक करें आप, अंदर हड्डियां भी इसकी काली काली, काली काली हड्डी, काली काली हड्डी। ये देखो भाई, ये देखो ये हड्डी देखो पूरी काली। ओए होए भाई, भाई ये देखो गोश्त ना अंदर पूरा काला काला गोश्त है। ओए होए भाई, जिंदगी में पहली बार खा रहे हैं कढ़ाई। सुनो भाई मैं तो खा चुका हूँ बहुत बार, है ना? हाँ भाई कढ़ाई वढ़ाई खाई, मजा आया यार? मजा आ गया, काला मुर्गा खा गया जिंदगी में फर्स्ट टाइम, मजा आ गया यार। वो मेरी दुल्हन का है, बाबा ने बोला था कि जब मैं कढ़ाई खा लूंगा तो दुल्हन मिल जाएगी। दुल्हन? दुल्हन कहाँ है? देखो दुल्हन आती है इस पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे? सही है, पर्दा हटाओगे और तुम्हारी दुल्हन खड़ी होगी। दुल्हन खड़ी होगी। अब तुमने जैसी मुर्गी खाई है उस हिसाब से तुम्हें दुल्हन मिलेगी। पर्दा हटाओ। बाबुल की दुआ। अब ये तो बाप वाला गाना होता है, मेरा दिल ये पुकारे, लिखे जो खत तुझे। ये क्या मेरे पैसे? तो अफ्रीका का जंगल का मर्द है, मेरे को तो बोला था लड़की मिलेगी। असल में मसला ये हुआ, वो जो हमने मुर्गी जिबा की थी ना, ना वो ही में थी ना शी में थी, वो ये थी, वो ये थी किस्मत में। बाबा को पकड़ो, अरे बाबा को पकड़ो। भाई मैंने लूट लिया कवारे बंदे को, 1.5 लाख रुपए भी ले लिए और साथ भाग भी गया। तो भाई अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब लाजमी करो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपको भी लूट लूंगा। सही है, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।